Hello kids, welcome back. I am Vandana and we are learning Computer of Class 7th by Brain Root series. Here is a book, children, and the name is Cyber Creators. And today we are going to start with chapter number 4 and the name is Introduction to Krita. Yes, we are going to learn about something new and it is Krita. So children, do you know what is Krita? We will learn here what is it. Here in this chapter we will learn what is Krita, starting the Krita, kaise start karna hai, brush tools kya hote hai, inserting an image ko kaise insert karna hai, editing tools kya hai, downloading and installing the Krita, kaise download aur install karna hai ise, components kya kya hai hote hai Krita mein, drawing tools kya hai aur selection tools kya hai. To ye sari cheeze hum yahan pe padhenge. Before that you have to draw and color the icon of Krita in the space given below. Krita का जो आइकन है उसे यहाँ पे ड्रॉ और कलर करना है. सो चिल्ड्रन लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज Krita? सो Krita इज अ फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर. यस, ये एक फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है. विथ अ फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर सिंपल लुकिंग पिक्चर कैन एनहांस टू एन एक्सटेंट दैट इट लुक्स एज इफ कैप्चर्ड बाई एन एक्सपर्ट फोटोग्राफर. अगर आप Krita यूज करते हैं तो आपको मतलब कोई एक नॉर्मल से पिक्चर भी ऐसे लगेगी किसी एक्सपर्ट फोटोग्राफर ने उसे क्या किया है, कैप्चर किया है. द वर्ड Krita कम्स फ्रॉम द स्वीडिश लैंग्वेज वेयर क्री मीन्स क्रेयॉन्स एंड Rita मीन्स टू ड्रॉ. सो Krita एक स्वीडिश लैंग्वेज से लिया गया वर्ड है जिसमें क्री का मतलब होता है क्रेयॉन्स और Rita का मतलब होता है ड्रॉ. Krita इज एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर डिजाइन फॉर डिजिटल ड्राइंग. ये डिजिटल ड्राइंग, फोटो एडिटिंग और 2D एनिमेशन के लिए यूज किया जाता है. कुछ पॉपुलर फीचर्स हैं इसके क्या है. पहला तो ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिसका मतलब है कि Krita जो सॉफ्टवेयर है इट इज़ अवेलेबल फॉर पब्लिक कोलाबोरेशन. मीन्स पब्लिक इसे आसानी से यूज कर सकती है. यू कैन डाउनलोड Krita फॉर फ्री फ्रॉम इट्स ऑफिशियल वेबसाइट Krita.org. तो Krita.org से आज ही से आप डाउनलोड करें. द यूजर इंटरफेस ऑफ Krita इज ईजी टू अंडरस्टैंड एंड यूज. इसे बहुत आसान है समझना. एंड इट कंसिस्ट ऑफ मेन्यूज, बटन्स, पैनल्स एक्सेट्रा. Krita इंटरफेस कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट पैनल्स दैट कैन बी डॉक्ड एनीवेयर ऑन द स्क्रीन. इसमें कुछ पैनल्स हैं जो स्क्रीन पे कहीं भी लगाए जा सकते हैं. दिस हेल्प्स यू टू चेंज द लेआउट ऑफ द स्क्रीन अकॉर्डिंग टू योर नीड्स. इसके वजह से आप जो भी आपका जो स्क्रीन के जो रिक्वायरमेंट्स है उसको अपने अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हो, अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं. ब्रशेज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स इन ड्राइंग. ड्राइंग में ब्रशेज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. इन Krita देर आर टोटल 100 नंबर्स ऑफ ब्रशेज. 100 तरीके के ब्रशेज आपको दिखाई देंगे यहाँ पे. एंड दिस विल गिव यू एन अमेजिंग ड्राइंग एक्सपीरियंस. These brushes are used to give different effects to your drawing. ये जो brushes है आपके drawing को एक बहुत ही अच्छा effect देगा. Krita has a great feature, the brush stabilizer. इसमें एक बहुत अच्छा feature है जिसको हम brush stabilizer कहते हैं, which is used to enhance the smoothness in the brush strokes. जो क्या करता है, brush strokes के जो strokes हैं उसको enhance करता है, उसको smooth करता है. It has a huge built-in gallery of vectors that can be used for drawing favorite comic strips. इसमें बहुत सारे built-in gallery vectors हैं. Means पहले से built-in pictures हैं जिसे आप use कर सकते हैं अपने comic strips बनाने में. So downloading and installing the Krita, कैसे आप download और install करना है इसे. पहले क्या करना है, आपको web browser पे जाना है, आपका जो भी web browser आप use करते हैं. फिर वहाँ पे जाके आपको इस वेबसाइट को एंटर करना है. नाउ क्लिक ऑन द इंस्टॉलर बटन. आप जो है इंस्टॉलर बटन पे क्लिक करें एंड द सेटअप फॉर Krita विल बी डाउनलोडेड. और जो सेटअप है वो डाउनलोड हो जाएगा. डबल क्लिक ऑन द इंस्टॉलर सेट टू इंस्टॉल Krita. डबल क्लिक करेंगे तो Krita इंस्टॉल हो जाएगा. नाउ इसे स्टार्ट कैसे करना है. टू स्टार्ट Krita फॉलो दी स्टेप्स. पहले जाना है स्टार्ट बटन पे, फिर वहाँ पे से ऑल ऐप्स पे जाना है, फिर वहाँ से Krita को फाइंड आउट करके उस पर क्लिक करना है. Krita विंडो आपके सामने आ जाएगी. तो ये है आपके सामने Krita की विंडो. नाउ सेलेक्ट न्यू ऑप्शन. अब जो है हमने विंडो तो खोल लिया, अब हम न्यू ऑप्शन पे जाएंगे. दिस ऑप्शन वेयर दिस विल ओपन एंड क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट डायलॉग बॉक्स.
तो जैसे हमने न्यू पे क्लिक किया तो क्या होगा, एक नया डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा। नाउ एंटर द रिक्वायर्ड डिटेल्स लाइक नेम, वेट, हाइट, ओरिएंटेशन एंड रेजोल्यूशन ऑफ द इमेज। जो भी चीज़ें चाहिए इनमें से वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फाइनली क्लिक ऑन द क्रिएट बटन, और ये सब कुछ सेलेक्ट करने के बाद हमें क्रिएट बटन पे क्लिक करना है। द विंडो विल विथ ब्लैक कैनवस अपीयर। सो विंडो जो है ब्लैक कैनवस के साथ हमारे सामने आ जाएगी। नाउ देयर इज अ टैब ऑल्सो चिल्ड्रेन इन द सर्च बॉक्स, टाइप क्रिएटा एंड देन क्लिक ऑन द क्रिएटा ऑप्शन। तो आप जो है ऑल प्रोग्राम्स में ना जाके आप सर्च बॉक्स में भी अगर क्रिएटा सेलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे या टाइप करेंगे तो भी क्रिएटा ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। अब क्या क्या कॉम्पोनेंट्स है क्रिएटा के वो देख लेते हैं। तो ये जो आपके सामने ये क्रिएटा की विंडो है, इसमें कुछ कॉम्पोनेंट्स दिए गए हैं। पहला है वर्क स्पेस, ये जो वाइट एरिया दिख रहा है ये वर्क स्पेस है। ये है आपका टूल बॉक्स जहाँ से आप टूल्स ले सकते हैं, ब्रशेस ले सकते हैं, पेंसिल्स ले सकते हैं। अब यहाँ पे ऑप्शन बार दिख रहा है आपको, ऊपर आपको ये जो है ये मेन्यू बार दिख रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे सबसे ऊपर टाइटल बार है, यहाँ पे आपके ये सारे पैनल्स हैं जिसमें से आप डिफरेंट चीज़ों को आप देख सकते हो। डिफरेंट स्टाइल्स हैं, इरेजर, पेंसिल, ब्रश, सब चीज़ें आपको यहाँ पे ईजिली मिल जाएंगी। टूल बार में आपको टूल्स मिलेंगे और यहाँ पे आपको ब्रशेज वगैरह सब चीज़ें ईजिली अवेलेबल हैं। तो ये है कॉम्पोनेंट्स टूल क्रिएटा के। अब लेट्स लर्न अबाउट द कॉम्पोनेंट्स। सो फर्स्ट इज मेन्यू बार, इट इज़ अ टॉप मोस्ट हॉरिजॉन्टल बार इन क्रिएटा। ये जो सबसे ऊपर का बार है क्रिएटा में, दैट कंटेन्स ऑल द मेन्यूज, जिसमें फाइल, एडिट, व्यूज, ये सारे ऑप्शंस आते हैं। इसके नीचे आता है ऑप्शन बार, ये जो है मेन्यू बार के नीचे होता है और इसमें जो है ऑप्शंस रिलेटेड होते हैं किससे, टूल से रिलेटेड। फिर है वर्क स्पेस, ये वो जगह है जहाँ पे आप पिक्चर्स को एडिट कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो। एंड द नेम ऑफ द इमेज ऑफ फाइल अपीयर्स एट द टॉप ऑफ द वर्क स्पेस। जो भी उस फाइल का इमेज का जो नाम है वो ऊपर वर्क स्पेस में दिखाई देगा। एंड इस एरिया को हम कैनवस भी कहते हैं, वर्क स्पेस को हम कैनवस भी कहते हैं। पैनल्स क्या है, ऑन द राइट साइड ऑफ क्रिएटा विंडो देर इज अ सेपरेट एरिया। अब राइट साइड में सेपरेट एरिया है जहाँ पे पैनल्स दिखेंगे आपको, जहाँ पे अभी हमने ब्रशेस वगैरह देखे थे। क्रिएटा ऑफर्स वेरियस पैनल्स, इधर ग्रुप्ड होते हैं या तो स्टैक्ड होते हैं या फिर डॉक्ड होते हैं। पैनल्स कैन बी प्लेस एनीवेयर ऑन द स्क्रीन, पैनल्स को कहीं भी स्क्रीन पे हम रख सकते हैं। अ पैनल दैट कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड फ्लोटिंग पैनल। ऐसा पैनल जिसको हम कहीं भी ड्रैग कर सकते हैं, कहीं भी मूव कर सकते हैं, उसे फ्लोटिंग पैनल या फिर डॉकर कहा जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा टूल बार, जिसमें डिफरेंट टूल्स हैं जो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हैं। इसमें से बाय डिफॉल्ट टूल बार डॉकर अपीयर्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द क्रिएटा विंडो। ये हमेशा क्रिएटा विंडो के लेफ्ट साइड में आपको मिलेगा। यू कैन रिसाइज एंड मूव इट टू योर डिज़ायर। तो हम इसे अपने अकॉर्डिंग मूव या फिर रिसाइज भी कर सकते हैं। अब चलिए आते हैं ब्रशेस की बात करते हैं। ब्रश टूल क्या है, ब्रश टूल्स आर यूज टू गिव डिफरेंट कलरिंग इफेक्ट्स टू योर ड्राइंग। ये हमारे ड्राइंग को अलग अलग कलरिंग इफेक्ट्स देते हैं। द ब्रश टूल प्रेजेंट इन क्रिएटा, देर आर टू टाइप्स ऑफ ब्रश टूल्स, दो तरीके के ब्रश टूल्स हैं जो क्रिएटा में प्रेजेंट हैं। पहला है फ्री हैंड ब्रश टूल और दूसरा है डायनेमिक ब्रश टूल। अब क्या है ये दोनों ब्रश टूल, चलिए जल्दी से पढ़ते हैं। पहला है फ्री हैंड ब्रश टूल, और यहाँ पे आप देख सकते हो फ्री हैंड ब्रश टूल का आइकन है आपके सामने। सो दिस टूल इज यूज टू ड्रॉ ब्रश स्ट्रोक्स टू गिव एन इफेक्ट ऑफ पेंटिंग टू द इमेज। ये क्या करता है, ब्रश स्ट्रोक्स को यूज करता है हमारे पेंटिंग को इफेक्ट देने के लिए। टू यूज दिस टूल फॉलो द स्टेप्स। अब कैसे यूज करना है इसे, पहले हमें फ्री हैंड ब्रश टूल पे जाना है, उसके बाद हमें ओपेसिटी को सेलेक्ट करना है ऑप्शन बार में जाके। वहाँ से हमें ओपेक चाहिए, ट्रांसपेरेंसी, कैसा हमें पिक्चर में कैसा ब्रश चाहिए, कैसी पिक्चर चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप चूज करेंगे अपने इंटेंसिटी। फिर क्या करना है, साइज पे जाना है, साइज को सेलेक्ट करना है ब्रश टूल में से। यहाँ पे आप देख सकते हो इस साइज को चूज किया गया है। नाउ प्रेस द होल्ड डाउन द लेफ्ट माउस बटन एंड ड्रैग द माउस टू ड्रॉ। अब होल्ड करना है लेफ्ट माउस बटन को और ड्रॉ करना है जो भी हमें ड्रॉ करना है। टू इरेज सेम पोर्शन ऑफ एनी इमेज और वर्क स्पेस यूज अ सेट इरेजर मोड। अब अगर हमें कोई पार्ट इरेज करना है तो हमें सेट इरेजर मोड पे जाना पड़ेगा। प्रेजेंट इन द ऑप्शंस बार, ये जो है ऑप्शंस बार में प्रेजेंट होता है ऑप्शन।
नेक्स्ट है डायनेमिक ब्रश टूल। अभी तो हम फ्री हैंड ब्रश टूल पढ़ रहे थे, अब हम पढ़ रहे हैं डायनेमिक ब्रश टूल क्या है। सो दिस टूल एड्स अ कस्टम स्मूदिंग डायनेमिक्स इन योर ब्रश। ये आप देख सकते हो, ये आइकन है डायनेमिक ब्रश टूल का। ये क्या करता है, एक स्मूदिंग इफेक्ट देता है आपकी ड्राइंग को, आपके ब्रश को। दिस विल गिव यू अ सिमिलर सूदिंग रिजल्ट एज अ नॉर्मल फ्री हैंड ब्रश। ये आपको सेम सूदिंग इफेक्ट देगा जैसे कि एक नॉर्मल फ्री हैंड ब्रश देता है। देयर आर अ कपल ऑफ ऑप्शंस दैट यू कैन चेंज। बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो हम चेंज कर सकते हैं इसमें। पहला है मास, दूसरा है ड्रैग। सो मास क्या है, इट एवरेजेस योर मूवमेंट्स टू मेक इट अपीयर स्मूदर। ये आपके मूवमेंट्स को स्मूद बनाता है। हायर वैल्यूज विल मेक योर ब्रश मूव स्लो। अगर आपके जो वैल्यूज ज़्यादा हैं तो आपका जो ब्रश है वो धीरे चलेगा। ड्रैग, इट इज़ अ रबर बैंड इफेक्ट। ये एक रबर बैंड इफेक्ट है दैट विल हेल्प आउट आवर लाइन्स कम बैक टू आवर कर्सर। ये क्या करेंगे, हमारे लाइन्स को कर्सर तक आने में हेल्प करेंगे। लोअर वैल्यूज विल मेक द इफेक्ट मोर एक्सट्रीम। जो लोअर वैल्यूज है वो हमारे इफेक्ट को और भी ज़्यादा एक्सट्रीम बनाएंगे। नेक्स्ट कम्स ड्राइंग टूल्स। अब कौन कौन से ड्राइंग टूल्स हैं, देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ ड्राइंग टूल्स इन क्रीटा, लेट्स लर्न अबाउट देम। तो पहला है लाइन टूल, हियर इज अ पिक्चर, हियर इज आइकन। तो दिस टूल इज यूज टू ड्रॉ स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन्स बनाने के काम आता है, आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड क्या करना है, सबसे पहले हमें लाइन टूल को सिलेक्ट करना है टूल बॉक्स में से, फिर ओपेसिटी और साइज को सिलेक्ट करना है, फिर एडवांस कलेक्ट सेलेक्टर को सेलेक्ट करना है पैनल्स में जाके, और फिर प्रेस करना है प्रेस एंड होल्ड डाउन द लेफ्ट माउस बटन। लेफ्ट हाउस माउस बटन को प्रेस करना है एंड ड्रैग करना है जैसे भी लाइंस हमें ड्रॉ करनी है उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट इज रेक्टेंगल टूल। हियर यू कैन सी द आइकन ऑफ रेक्टेंगल टूल। अब रेक्टेंगल टूल का क्या काम है, रेक्टेंगल टूल इज यूज टू ड्रॉ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। सो रेक्टेंगल और स्क्वायर्स बनाने के काम आता है ये रेक्टेंगल टूल। कैसे यूज़ करना है रेक्टेंगल टूल को, हमें टूल बॉक्स में सेलेक्ट करना है, ओपेसिटी और साइज को सेलेक्ट करना है, एडवांस कलर सेलेक्टर में जाके जाना है, पैनल में जाके इसे सेलेक्ट करना है, और फिर लेफ्ट माउस बटन को ड्रैग करना है और ड्रॉ करना है जो भी हम चाहते हैं ड्रॉ करना। नेक्स्ट चिल्ड्रेन, द नेक्स्ट इज रेक्टेंगल टूल के बाद हम पढ़ रहे हैं एलिप्स टूल। हियर यू कैन सी द आइकन। एलिप्स टूल का क्या काम है, दिस टूल इज़ यूज टू ड्रॉ सर्कल एंड ओवल। तो सर्कल और ओवल अगर आपको अपनी ड्राइंग में बनाना है तो आप एलिप्स टूल का यूज़ कर सकते हैं। सेम प्रोसीजर अपनाना है हमें, टूल बॉक्स में जाके एलिप्स टूल को सिलेक्ट करना है, ओपेसिटी और साइज को सिलेक्ट करना है, एडवांस कलर सेलेक्टर को सिलेक्ट करना है पैनल में जाके, फिर लेफ्ट माउस बटन को प्रेस करके हमें अपने जो भी डिजायर शेप है उसे ड्रॉ करना है। नाउ इंसर्टिंग एन इमेज, इमेज को कैसे ड्रॉ करनी है, टू इंसर्ट करना है। तो इंसर्ट को इमेज करने के लिए हमें क्या करना है, पहले फाइल मेन्यू पे जाना है, वहाँ पे जाके हमें ओपन ऑप्शन पे जाना है। अब यहाँ से ओपन ऑप्शन इमेज डायलॉग बॉक्स हमारे सामने आएगा, तो ओपन इमेज डायलॉग बॉक्स में से हमें क्या करना है, सेलेक्ट करना है इमेज जो भी हमें इंसर्ट करें। तो ये सारी इमेजेस है, इसमें से जो भी हमें इंसर्ट करनी है उस पर हमने क्लिक किया। द इमेज विल बी एडिट इन द वर्क स्पेस एरिया। जो हमारा वर्क स्पेस एरिया है वहाँ पर वो इमेज आ जाएगी। वंस द इमेज इज एडेड यू कैन एडिट इट यूजिंग द वेरियस टूल अवेलेबल इन द टूल बॉक्स। टूल बॉक्स में बहुत सारे टूल्स हैं, उसमें से आप कोई भी ले सकते हैं और उसे यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है सिलेक्शन टूल्स। सिलेक्शन टूल्स क्या हैं, सो द सिलेक्शन टूल्स आर यूज टू ऑल्टर अ सेक्शन ऑफ द इमेज और पेंट इट। तो सिलेक्शन टूल क्या करता है, इमेज के किसी भी पार्ट को ऑल्टर करने में हेल्प करता है, उसे ठीक करने में हेल्प करता है विदाउट इफेक्टिंग द कंप्लीट इमेज, बिना पूरे इमेज को इफेक्ट किए। आफ्टर सेलेक्टिंग एन एरिया ऑफ द इमेज यू कैन मेक द चेंज। आप इमेज एरिया को चेंज कर सकते हैं सेलेक्ट करके। एंड ये के आप देख सकते हो, सबसे पहला है रेक्टेंगुलर सिलेक्शन टूल एंड ये इज अ पिक्चर हैज अ ऑप्शन। Rectangular selection tool is used to select an image or a part of it as a rectangle for retouching or to perform cut, copy or edit operations. So, ये जो rectangle tool है आप देख सकते हो, ये जो जिराफ के पिक्चर इसे सेलेक्ट किया गया rectangle tool की मदद से। तो इसे जो है हम कट कॉपी ये सारे ऑप्शंस
इसमें डाल सकते हैं। रेक्टेंगुलर सिलेक्शन होता है इसमें, तो सबसे पहले हमें रेक्टेंगुलर सिलेक्शन टूल पे जाना है टूल बॉक्स में से। फिर हमें क्या करना है, कर्सर को प्लेस करना है इमेज पे, कर्सर इमेज पे लेके आएंगे। फिर हमें ड्रैग करना है माउस बटन को एंड उस पिक्चर को सिलेक्ट करना है, जो भी पार्ट हमें चाहिए उसे सिलेक्ट करना है। आप क्या देखोगे कि एक डैश बॉर्डर जो है आ जाएगा पूरे पिक्चर के चारों तरफ। नाउ यू कैन परफॉर्म एनी ऑपरेशन, अब आपको जो भी करना है उस पिक्चर के साथ, उस सिलेक्टेड एरिया के साथ, वो आप कर सकते हो। ये था हमारा रेक्टेंगुलर सिलेक्शन। नेक्स्ट आता है इलेप्टिकल सिलेक्शन टूल। इलेप्टिकल सिलेक्शन टूल का आइकन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब ये इलेप्टिकल सिलेक्शन टूल क्या करता है, इट अलाउज यू टू सिलेक्ट द इलेप्टिकल एरिया ऑफ एन इमेज, मीन्स इमेज का गोल पार्ट आप इसमें सिलेक्ट कर सकते हो। तो आपके सामने ये पिक्चर थी, अब मुझे जिराफ को यहाँ पर सिलेक्ट करना है, तो वहाँ तो मैंने रेक्टेंगुलर सिलेक्शन किया था, यहाँ पर जिराफ को मैंने ओवल शेप में सिलेक्ट किया है। सेम प्रोसीजर है, इलेप्टिकल सिलेक्शन टूल पे जाना है टूल बॉक्स में, फिर हमें उस इमेज पे लेके जाना है अपने माउस पॉइंटर को, फिर ड्रैग करना है लेफ्ट बटन को प्रेस करके माउस के, और जहाँ तक हमने सिलेक्ट करना है वहाँ तक हम सिलेक्ट कर सकते हैं उस पिक्चर को। नेक्स्ट आता है फ्री हैंड सिलेक्शन। फ्री हैंड सिलेक्शन टूल वर्क्स एज अ फ्री हैंड सिलेक्शन टूल एंड दिस टूल इज यूजफुल व्हेन यू आर वर्किंग विद अ पोर्शन ऑफ एन इमेज, जब आपको किसी इमेज का कोई छोटा सा पोर्शन चाहिए। अब आप देख सकते हो यहाँ पे हमने क्या किया है, मंकी का पैर भी आ गया, इसका कान बाहर चला गया, और ये लाइन का जो है पूछ आ गया इसमें सिलेक्शन में। लेकिन जब आप फ्री हैंड सिलेक्शन करते हो तो सिर्फ टाइगर के जो बॉडी पार्ट्स हैं वही इसमें, या जो लायन के जो टाइगर बॉडी पार्ट से वही इसमें आए हैं, बाकी किसी भी एनिमल का कोई भी बॉडी पार्ट या कोई और पिक्चर का पार्ट नहीं आया है। तो ये फ़ायदा है फ्री हैंड सिलेक्शन टूल का। तो ये क्या करता है, एक प्रॉपर प्रोपोर्शन को ही सिलेक्ट करता है इमेज में, जिसमें स्मूथ एजेस या फिर कर्व्स होते हैं। तो कैसे से करना है, हमें पहले टूल बॉक्स में जाके फ्री हैंड सिलेक्शन को सिलेक्ट करना है, फिर लेफ्ट माउस बटन को प्रेस करना है और ड्रैग करना है पिक्चर के उस पार्ट पे जहाँ पे जिस पार्ट को हमें सेलेक्ट करना है, फिर माउस के बटन को रिलीज कर देना है और हमारी पिक्चर यहाँ पे सेलेक्ट हो चुकी है। नेक्स्ट इज सिमिलर कलर सिलेक्शन टूल एंड हियर यू कैन सी द आइकन सिमिलर कलर, मींस एक जैसे कलर वाले पिक्चर्स को कैसे हमें सेलेक्ट करना है। सो यूजिंग अ सिमिलर कलर सिलेक्शन टूल यू कैन मेक सिलेक्शन बाई सिलेक्टिंग एनी पॉइंट ऑफ द कलर इन एन इमेज। Now in simple words, this tool is used for quick selection of areas that have similar color. अगर हम इसे simple languages में कहें तो ये जो है ये क्या करते हैं, एक जैसे color वाली चीज़ों को select कर देता है। Now children, let's move on to editing tool. अब Krita provides various photo editing tools. Krita हमें बहुत सारे photo editing tools देता है। पहला है crop tool. तो crop tool से क्या होता है, जो भी part हमें crop करना है उसे हम या क्रॉप कर सकते हैं, मींस एक पूरी पेंटिंग में से मुझे सिर्फ इतना हिस्सा चाहिए तो उतने बाकी के पार्ट को मैंने क्रॉप करके हटा दिया है। सो क्रॉप टूल इज़ यूज्ड टू सेलेक्ट द स्पेसिफिक एरिया दैट यू वांट टू फोकस, जिस एरिया पे आपको फोकस करना है उसे क्रॉप करता है एंड अनवांटेड पार्ट को रिमूव कर देता है। तो क्या करना है, पहले हमें किसी इमेज को ओपन करना है, फिर क्रॉप टूल पे जाना है टूल बॉक्स में जाके, फिर लेफ्ट माउस बटन को होल्ड करना है और ड्रैग करना है उस पिक्चर पे जितने एरिया को हमें सेलेक्ट करना है। अब माउस बटन को रिलीज कर दें तो ये सिलेक्शन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब इस क्रॉपिंग प्रोसेस को फिनिश करने के लिए हमें क्या करना है, डबल क्लिक करना है इनसाइड द सिलेक्शन, सिलेक्शन पार्ट के अंदर हमें डबल क्लिक करना है या फिर एंटर की प्रेस कर देना है। हमने क्या देखा कि जो सिलेक्शन पोर्शन था इमेज का अब वही दिखाई देगा, बाकी जो एक्स्ट्रा पोर्शन था वो हमारे सामने से गायब हो गया। नाउ एक्स्ट्रा बाइट में क्या दिया चिल्ड्रन, द सिलेक्टेड पार्ट ऑफ एन इमेज विद इन योर सिलेक्शन इज नोन एज क्रॉपिंग एरिया। सो ये जो सिलेक्टेड पार्ट है इसे क्रॉपिंग एरिया कहा जाता है। नेक्स्ट इज ग्रेडियंट टूल। ग्रेडियंट टूल क्या है, आप देख सकते हो आइकन आपके सामने है। सो ग्रेडियंट टूल अलाउज यू टू फिल एन एरिया विद अ रेंज ऑफ कलर्स, किसी भी जगह को कुछ कलर रेंजेस के साथ फिल कर देता है इन अ स्पेसिफिक पैटर्न में, एक ही तरीके के पैटर्न में। इट क्रिएट्स अ ब्लेंड ऑफ टू और मोर कलर्स,
ये एक जैसे दो या उससे ज्यादा कलर्स का कलेक्शन मींस जो इन कलर्स को ब्लेंड कर देता है, मिक्स कर देता है. टू अप्लाई द ग्रेडियंट इफेक्ट टू एन इमेज फॉलो दी स्टेप्स. तो पहले क्या करना है, इमेज को ओपन करना है, फिर फ्री हैंड टूल को सेलेक्ट करना है टूल बॉक्स में से. नेक्स्ट, यूजिंग दिस टूल सेलेक्ट द पोर्शन ऑफ द इमेज एज शोन इन फिगर. सो जो भी हमें पोर्शन चाहिए उसे हमें सेलेक्ट करना है. नेक्स्ट, सेलेक्ट द ग्रेडियंट टूल फ्रॉम द टूल बॉक्स. अब ग्रेडियंट टूल को हमें टूल बॉक्स में से सेलेक्ट करना है. टू सेलेक्ट अ ग्रेडियंट ऑफ योर चॉइस, क्लिक ऑन द ग्रेडियंट बटन इन द ऑप्शंस बार. तो हमें जो है ग्रेडियंट बटन पे क्लिक करना है ऑप्शंस बार में. आफ्टर सेलेक्टिंग द ग्रेडियंट प्रेस द लेफ्ट माउस बटन. अब सेलेक्ट करने के बाद हमें लेफ्ट माउस बटन को क्लिक करना है और ड्रैग करना है ग्रेडियंट को विद इन द सेलेक्टेड एरिया, उस पूरे सेलेक्टेड एरिया में. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लाउड्स को सेलेक्ट किया गया है और उसे अब हम स्प्रेड आउट कर रहे हैं. रिलीज द माउस बटन वंस द एरिया हैज बीन मार्क्ड. जब वो एरिया मार्क हो जाएगा तो उस माउस को रिलीज करना है. ऑब्जर्व दैट द सेलेक्टेड एरिया इज फिल्ड विद द ग्रेडियंट ऑफ योर चॉइस. तो जो भी ग्रेडियंट है आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग वो एरिया फिल हो चुका है. तो यहाँ पे हमने फिल कर दिए हैं क्लाउड्स को. नेक्स्ट है स्मार्ट पैच टूल. द स्मार्ट पैच टूल इज यूज टू रिमूव अनवॉन्टेड ऑब्जेक्ट फ्रॉम एन इमेज. तो इमेज में से मान लो कोई चीज़ मुझे हटानी है, तो उसे हटाने के लिए मुझे स्मार्ट पैच मीन्स जैसे हाथ पे चोट लगती है तो हम बैंडेज लगाते हैं, वैसे स्मार्ट पैच का आपको सिंबल दिखाई दे रहा है. दिस टूल लेट्स यू रिमूव एनी थिंग यू डू नॉट वॉन्ट. सो किसी भी चीज़ को हम रिमूव कर सकते हैं जो हमें अपनी ड्राॅइंग में नहीं चाहिए. एंड इसके लिए क्या करना है, पहले टूल बॉक्स में जाना है, फिर स्मार्ट पैच टूल में हमें क्लिक करना है, फिर प्रेस करना है लेफ्ट माउस बटन एंड स्टार्ट करना है स्टार्ट टू ड्रॉ ऑन द ऑब्जेक्ट यू वांट टू रिमूव. जिस भी ऑब्जेक्ट को आपको रिमूव करना है उसके ऊपर हमने ड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया. वंस फिनिश रिलीज द माउस बटन. जैसे हमारा काम हो गया, मीन्स यहाँ हमें यहाँ से क्लाउड हटाना था, तो जैसे हमारा काम हो गया हमने माउस को रिलीज कर दिया माउस के बटन को, एंड अब हमें क्या दिखाई दे रहा है कि वो जो ऑब्जेक्ट था वो वहाँ से रिमूव हो चुका है. नेक्स्ट आता है क्लोन टूल. ये क्या करता है, चीज़ों को क्लोन कर देता है, मीन्स एक जैसी दो चीज़ें बना देता है. सो द क्लोन टूल इन क्रीटा इज यूज फॉर क्लोनिंग वन एरिया ऑफ एन इमेज एंड कॉपिंग इट समवेयर एल्स. मीन्स एक चीज़ को कॉपी करके कहीं और पेस्ट कर देता है ये. दिस टूल कैन बी यूज टू ट्रांसपोज एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन लेयर टू अनदर. ये टूल क्या करता है, ऑब्जेक्ट को एक लेयर से दूसरे लेयर तक पहुँचाता है. द क्लोन टूल इन क्रीटा इज अवेलेबल एज अ ब्रश. क्लोन टूल को क्रीटा में ब्रश के रूप में रखा गया है. टू यूज द क्लोन टूल फॉलो द स्टेप्स. अब यहाँ पे कुछ स्टेप्स दिए गए जिसे हमें फॉलो करना है. पहला हमें क्या करना है, ब्रश प्रीसेट पैनल में जाना है और वहाँ पे जाके हमें क्लोन टूल ब्रश ऑप्शन को ढूंढना है. नाउ अब हमें कंट्रोल की के साथ ये जो सर्कल है इसे हमें प्रेस करना है. एंड नाउ कर्सर ऑन द ऑब्जेक्ट एंड यू विल कॉपी एक्स. तो हमें क्या करना है, एक्स को कॉपी करना है. आप देख सकते हो यहाँ पे एक्स है. नाउ मीन्स इस पार्ट को हमने यहाँ पे ले जाके कॉपी कर दिया, इतने पार्ट को हमें यहाँ पे कॉपी करना. तो आप देख सकते हो सेम पिक्चर यहाँ पे कॉपी हो रही है. नाउ क्लिक ऑन द प्लेस वेयर यू वॉन्ट टू मेक द कॉपी ऑफ द इमेज. अब उस जगह पे जाके हमें अपने कर्सर को ले जाना है जहाँ पे हमें इमेज को कॉपी करना है. एंड मूव द माउस, द एक्स विल ड्रॉ द ऑब्जेक्ट फॉर यू. एक्स क्या करेगा, आपके लिए ड्रॉ कर देगा उस ऑब्जेक्ट को. वाइल द कर्सर कॉपीज द ऑब्जेक्ट, लेकिन जो कर्सर है वो क्या करेगा, ऑब्जेक्ट को कॉपी कर देगा. तो ऐसे हमें इस टूल को यूज करना है. नाउ चिल्ड्रन लेट्स कम टू लेट अस डू राइट डाउन द स्टेप्स टू यूज क्लोन टूल इन क्रीटा. तो क्लोन टूल को यूज करने के लिए जो भी स्टेप्स थे आपको यहाँ पे क्रीटा में वो यहाँ पे लिखने हैं. लेट्स मूव ऑन टू लेट्स रिवाइंड. क्रीटा इज अ फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर. ये एक फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है. विद अ फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर अ सिंपल लुकिंग पिक्चर कैन बी एनहैंस्ड एंड टू एन एक्सटेंट दैट इट लुक्स एज इफ कैप्चर्ड बाई एन एक्सपर्ट फोटोग्राफर. Brush tools are used to give different coloring effects to drawing. There are two types of brush tools present in Krita.
The line tool is used to draw straight line. The rectangle tool is used to draw rectangle or squares. Ellipse tool is used to draw circle or ovals. The selection tools are used to alter a section of an image or to paint it without affecting the complete image. The rectangular selection tool is used to select an image or a part of an image as a rectangle for retouching or to perform cut, copy or edit operations. So this is all what we have learned in this chapter, children. Now let's move on to the next part. The elliptical selection tool allows you to select the elliptical area of an image. The freehand selection tool works as a freehand selection tool. This tool is used when you are working with a portion of the image that has smooth edges or curves. Using the similar color selection tool, you can make selection by selecting any part of the color in an image. The crop tool is used to select a specific area that you want to focus on and remove the unwanted part or everything that is outside the selected area of your selection in a picture. The gradient tool allows you to fill an area with a range of colors in a specific pattern. It creates a blend of two or more colors. The smart patch tool is used to remove unwanted objects from an image, and this tool lets you remove anything that you want from an image by simply drawing on it. Now children, let's move on to book exercise, which is check yourself. So take the correct options, children. Here is your first part, A part. So here the first question is, the dash tool is used to draw a square or rectangle. Square or rectangle banane ke liye kis tool ko use kiya jata hai? So it is rectangle tool. Which of the following is a crop tool? Kaun sa crop tool hai? So this one is the crop tool. Now which of the tool in Krita is available as a brush? तो कौन सा ऐसा टूल है इसमें से जो एज अ ब्रश यूज किया जाता है? तो वो है क्लोन टूल. एंड द रेस्ट टू यू हैव टू डू योरसेल्फ. सो नाउ चिल्ड्रन, लेट्स मूव ऑन टू फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट वन इज क्रीटा इज एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर. ब्रश टूल्स आर यूज टू गिव डिफरेंट कलरिंग इफेक्ट्स टू ड्रॉइंग. डायनेमिक ब्रश टूल एड्स द कस्टम स्मूदिंग डायनेमिक्स टू योर ब्रश. एंड द रेस्ट टू क्वेश्चंस आर योर होमवर्क. Now let's move on to true or false. By default tool box, Docker appears on the right side of the Krita window. False. The clone tool is used to remove unwanted object from an image. No, it is used to make the duplicate of that image. The workspace is also known as canvas. Yes, this is true. So these two are your homework, children. Do it yourself. Now children, let's move on to D part, which is name the following. Here you have to name the given options. So you have to name two brush tools. So the two brush tools are freehand and dynamic. Two editing tools are crop and smart patch. Two drawing tools are line and rectangle. Rest two are your homework. You have to do it yourself, children. Now let's move on to E part, which is answer the following questions. Here the first one is, what is the use of freehand brush tool? So freehand brush tool is used to draw brush strokes to give an effect of painting to an image. Now the second question is, children, what is the use of rectangle and ellipse tool? So children, rectangle tool is used to draw squares and rectangles, and ellipse tool is used to draw circles and ovals in our drawing. Now the third question is, what is the use of freehand selection tool? So freehand selection tool is used when we are working in our picture or a portion of an image we have to select, and that picture has smooth edges or curves. In that type of picture we can use freehand selection tool. It's very useful and it selects the picture very well.
Similarly, children, you have to answer the two rest of the questions, question number 4 and 5, yourself. It's your homework. And with this, we have completed the chapter. I'll be meeting you soon, children, with a new video. Till then, stay tuned and thanks for watching.